सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हो और वीडियो देखने के बाद वीडियो पर जो भी एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज अपने आप ट्रांसलेट हो जाती है और आप वीडियो को अच्छी तरह से वॉच नहीं कर पाते हो, तो आपको कैसे उस लाइरस कैप्शन को रिमूव करना है, उस कैप्शन को कैसे आपको हटाना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अभी YouTube पर जाके दिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो प्ले कर दिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आपको एक वीडियो प्ले होती हुई देख रही है, ठीक है। वीडियो प्ले होने के साथ साथ आपको ऊपर एक लाइरिस कैप्शन भी देखने को मिलती है, जो कि हिंदी पे ट्रांसलेट होके आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आपको इस लाइरिस कैप्शन को कैसे आपको रिमूव करना है, तो इस लाइरिस कैप्शन को कैसे आपको परमानेंटली हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है लाइब्रेरी की, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी की लोगो मिलेगी, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलती है सेटिंग की, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको थोड़ी नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है कैप्शन, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर सेटिंग पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी शो कैप्शन, ठीक है। तो सिंपली आपको ये ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। अगर आपके स्मार्टफोन पर ये ऑप्शन एनेबल है तो आपको सिंपली आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसे डिसेबल करने वाला हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिए, आपको भी सेम इसी तरह डिसेबल करना है। और डिसेबल करने के बाद आपके जो यूट्यूब पे जो लाइरिस है, लाइरिस कैप्शन है, वो रिमूव हो जाएगी, वो बार बार आपके यूट्यूब पर वो लाइरिस कैप्शन नहीं आएगी। मैं आप लोगों को अभी बैक जाके दिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वही वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ से मैंने प्ले कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी आपको एक भी लाइरिस कैप्शन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर गाइस अगर आपके फ़ोन पर ये कैप्शन को डिसेबल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पर मतलब कि वीडियो पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलती है थ्री डॉट की, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कैप्शन मिलेगी देखने को, तो सिंपली इस पर फिर से क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तीन आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन तीन ऑप्शन में से आपको सबसे पहली वाली ऑप्शन टर्न ऑफ कैप्शन की ऑप्शन मिलेगी, तो सिंपली आपको इस पर सिलेक्ट करना है और ये परमानेंटली ऑफ हो जाएगी। मतलब कि आपके वीडियो पर यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हो तो ये वीडियो पर वो लाइरिस कैप्शन आपको ट्रांसलेट होकर देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस इसी तरह आप बहुत ही आसानी से अगर आप यूट्यूब देखते हो और यूट्यूब देखने के बाद आपको यूट्यूब की वीडियो पर लाइरिस कैप्शन देखने को मिल रही है, तो इसी तरह आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो और साथ ही साथ डिसेबल भी कर सकते हो। सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।